राजस्थान की आवाज की मेहनत लाई रंग, परिजनों से मिला एक साल से खोया हुआ बच्चा। वहीं पुलिस पर जहां झूठे आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, तो वहीं पुलिस भी इन सब की परवाह किए बिना अपना इंसानियत का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटती है। इसी प्रकार तारानगर पुलिस ने तारानगर के वार्ड 14 से एक मंदबुद्धि बालक को तलाश कर बालक के परिजनों में खुशी ला दी। हेड कांस्टेबल महावीर सिंह ने राजस्थान की आवाज को बताया कि एक साल पहले थाने में उक्त मामले को लेकर गुमशुदी दर्ज हुई थी। दो दिन पहले पुलिस ने कड़ी मेहनत कर बालक को सिद्धमुख में तलाश लिया। बालक के मिलने पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस ने आज थाना अधिकारी राधेश्याम थालोड़ की अगुवाई में बालक को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस लोग कहते हैं कि साहब पुलिस वाला काम नहीं करते, हमारे लड़के को 12 महीना हो गया घूमे, आज पुलिस वाले ही लेके आए और हमारा बहुत अच्छा काम हो गया। 12 महीने से गुम हुआ था और पुलिस वाले निकाल के लेके आए उसको, और लोग कहते कि साहब काम नहीं करते पुलिस वाले, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की पुलिस वालों ने, पर धन्यवाद देते साहब। नगर थाने में आज से एक साल पहले बालक का, गुमशुदा बालक का एक मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा नंबर 310। बालक की एक साल से काफी तलाश कर रहे हैं, तलाश में अस्पताएं हाथ लगी, बालक नहीं मिला। लेकिन आज से दो दिन पहले दिनांक 26 को एक वीडियो वायरल हुआ, तो उस बालक जैसी वो शक्ल हमने देख करके देखा तो हमें वैसा ही लगा। तो हम सिद्धमुख में जो आश्रम चलाते हैं वहाँ वो बालक बताया गया, हम उनके परिवार वालों को साथ लेकर के गए और वहाँ देखा तो परिवार वालों ने उस बालक को पहचान लिया। काफी प्रयास के बाद ये बालक गुमशुदा बालक है जो मिला है, उनके घर वालों को सुपुर्द किया गया। राजस्थान की आवाज़ से मैं करण पारिक, अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।